ये कहानी ऐसी लड़की की है जो अपनी ही माँ के साथ करता है, लेकिन स्टेप मॉम के साथ वो ऐसा क्यों करता है, यही इस पूरी मूवी में दिखाया गया है। एक लड़का है जिसका नाम है लीनी, उसके पापा हैं जिसका नाम है फॉस्को। फॉस्को एक बहुत ही बेकार काम करता है। उसका काम यह है कि वो शराब जो उसके गाँव में बिकती है उसे शहर में पहुँचाता है, और ऐसा करते करते एक दिन वो जेल भी जाता है। फिर इनके माँ बेटे जो हैं यहाँ आपस में करते हैं, फिर देखते हैं कि स्टोरी में क्या होता है। फिल्म की शुरुआत होती है बिल्कुल शुरुआत से, मैं बिल्कुल शुरू से बोलता हूँ। लीनू के पापा हैं फॉस्को और लीनू उनका बेटा है। लीनू के पापा शराब बेचते हैं जैसे मैंने आपको बता दिया था, और लीनू उसे खुश नहीं रहता क्योंकि उसके पापा से बहुत ज़्यादा मारते पीटते हैं, इस वजह से बिल्कुल भी खुश नहीं रहता। लीनू की पत्नी का डेथ हो चुकी थी बहुत पहले ही, और उन्हें एक बहुत ही जवान लड़की से शादी कर ली थी। जवान लड़की का नाम था ऐना। ऐना के साथ एक छोटी बेटी भी थी, मतलब ये एक फैमिली छोटी सी थी। और वो लीनू, वो यार मेरे घर के बाहर वाले, मतलब मैं तो बता नहीं सकता, लेकिन लीनू जो है अपनी मम्मी को पसंद करने लगता है क्योंकि वो देखने में काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है। वहीं जो उसका पापा है फॉस्को, वो बस ऐना के साथ सोना चाहता है, सीन करना चाहता है, अपनी पूरी मतलब जिसे बोलते हैं ना वो मिलाना चाहता है। और लीनियो अपने दोस्तों के साथ मटरगस्ती करने का मूड में, और लीनियो को एक लड़की पिक करा जिसका नाम है एस्टेना। एस्टेना जो है लीनियो को बहुत पसंद करती है, लेकिन लीनियो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। और अंकल जी जो है मतलब फॉस्को भाई साहब ऐना के साथ बहुत कुछ करती है क्योंकि ऐना बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है देखने में। पर धीरे धीरे क्योंकि ज़िंदगी चल रही होती है, लेकिन वो जो है अंकल फॉस्को लीनियो की रिस्पेक्ट करते रहते हैं, मतलब बीच बीच में रिस्पेक्ट करते रहते हैं, जो कि ऐना हमसे बोलती भी है कि अपने बड़े बेटे के साथ ऐसा मत किया करो, वो बड़ा हो रहा है कभी भाग भूक जाए, ऐसा वो बोलती भी है, लेकिन उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो एक हरामी बाप है। और फिर एक दिन ऐसा होता है कि मैंने आपको बताया था कि वो शराब बेचते हैं, तो शराब बेचते बेचते वो जो ये जो पूरी मूवी है वर्ल्ड वॉर टू के टाइम की, तो वर्ल्ड वॉर टू के टाइम पे वहाँ पे जो है सोनो हीरे के साथ लोगों को दफनाया जा रहा था, सैनिकों को दफनाया जा रहा था। जहाँ पे लीनियो और ऐना करीब आ रहे थे वहीं पे वो जो अंकल थे वो इसी की तस्करी कर रहे थे, सोने की खान की मान की। और लीनियो की जो बेटी थी, मतलब ऐना की जो बेटी थी, लीनियो उससे बहुत प्यार करता है, मतलब ऐना समझ जाती है कि लड़का जो है बाप जैसा नहीं है, इसको जो है प्यार से मतलब है, वहीं उसके बाप को सिर्फ लड़कियों से मतलब है। और वो एक पार्टी में जाते हैं जहाँ पर सबकी नज़र ऐना पे थी क्योंकि ऐना बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, और लीनियो भी देख रहा था कि वाकई मेरी स्टेप मदर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। लेकिन खैर छोड़ो, वो जहाँ पे खान की चोरी कर रहा होता है तो वो उस खान को चुरा के शहर जाता है बेचने। और फिर उड़ती उड़ती खबर आती है कि वो जो फॉस्को था उसे अरेस्ट कर लिया गया है, और अरेस्ट करने के बाद बहुत ही दुखद घटना घट जाती है क्योंकि सब कुछ ज़िंदगी में सही चल रहा था, लेकिन अरेस्ट होने के बाद पता चलता है कि वो कुछ महीनों वापस नहीं आने वाला है। फिर शुरू होता है रियल गेम। इस खबर के बाद ऐना और लीनियो अकेले रहते थे, जिस वजह से वो दोनों काफ़ी एक दूसरे को सोचते थे, रात को लेट के एक दूसरे के बारे में सोचते थे, लेकिन कुछ कर नहीं पाते थे क्योंकि वो जानते हैं कि नजायज रिश्ता है, ऐना कुछ नहीं करना चाहती है। तो एक दिन जो है लीनियो उस कमरे के बाहर भी जाके खड़ा होता है, सोचता है कि गेट खोल देगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है, वो गेट नहीं खुलती है, जिस वजह से ऐना समझ जाती है कि मेरे साथ सोना चाहता है, अगर मैं सो गए तो बहुत गलत रिश्ता बन जाएगा, इस वजह से उसे अंदर नहीं आने देती है। और जब वो अंदर नहीं आता तो वहीं पर जाके सो जाता है। फिर अगली सुबह ऐना उसे मार पीट के बहुत समझाती है कि हम जो कर रहे हैं बहुत गलत है, हमारा रिश्ता नहीं टिक सकता है, लेकिन लीनियो नहीं मानता है। तो ऐना क्या करती है, उसको उसकी बुआ के घर पे भेज देती है, जिसकी वजह से लीनियो काफ़ी खुश हो जाता है। लीनियो समझ जाता है कि मुझसे अपनी दूरी बनाना चाह रही है क्योंकि ये मुझसे सच में प्यार करती है, उसके दिमाग में एक बार बैठ जाती है, जो कि ऐना करती भी थी, लेकिन ऐना अपने आप पर कंट्रोल रखी हुई थी। फिर जब वो चला जाता है, लेकिन वो बुआ के घर जाने के बजाय अपने दोस्तों के घर चला जाता है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा शराब वगैरह पीता है, और शराब पीने के बाद घूमता फिरता अपने घर दोबारा आता है। आने के बाद ऐना समझ जाती है कि आ गया, लेकिन आने की कोशिश के चक्कर में उसके सर पे ना शीशा लग जाता है, जिस वजह से बहुत ज़्यादा खून बह रहा होता है। तो ऐना उसे देखते हैं कि हाँ वाकई से खून बह रहा है, तो चेक करती है, और फिर फाइनली ऐना का मूड बन जाता है उसकी बॉडी शॉडी देख के, और वो दोनों आराम से सो जाते हैं। और ये सीन बहुत लंबा चला था, मतलब देखने में सही नहीं लगा था मुझे, लेकिन बस थोड़ा बहुत था, इसमें ज़्यादा गंदगी नहीं है, ठीक ठाक मूवी, आप आके देख सकते हो। फिर ये दोनों करते हैं, और ये करने के बाद ये दोनों काफ़ी खुश हो जाते हैं, फिर ये दोनों काफ़ी करीब रहते हैं। वो उससे मिलने अपने हस्बैंड से फॉस्को से मिलने जेल में जाती है, जो कि फॉस्को बोलता है कि मेरे सामने अच्छे कपड़े पहन के आना, मतलब जेल में भी ऐसे रखते हैं। और फिर ऐना और लीनियो मिलते रहते हैं। फिर एक दिन क्या होता है कि ऐना को जिस पर क्रश था स्टेना, वो उसे देख लेती है अपनी स्टेप मदर के साथ करता हुआ, तो वो डर जाता है कि यार अगर इसे पता चल गया तो मेरे पापा को बता देंगे, पापा को बता देंगे तो पापा मेरी तोड़ के रख देंगे मेरे को, इस वजह से वो डर जाता है। लेकिन वो ऐना को समझाता है कि ये जो स्टेन है थोड़ी बावली सी है, ये कुछ नहीं कहने वाली है पापा से। तो फिर ये दोनों फिर चिपक जाते हैं, और फिर एक दूसरे के साथ सीन करते हैं, सीन टप टप घपा घप सब करते हैं ये दोनों। फिर उसके बाद एक दिन बहुत तेज तूफान आता है, तूफान आने के बाद सब छुप रहे होते हैं, और तूफान के साथ ही खबर भी आती है कि फॉस को रिहा हो रहा है, और सब खुश हो जाते हैं, लेकिन ऐना नहीं, क्योंकि ऐना को पता है कि कुछ गलत होने वाला है। इसलिए ऐना जो है फॉस को की बहन को बताती है कि मैंने अपने इसके बेटे के साथ लीनियो के साथ गलत रिश्ता बना लिया है, जिस वजह से वो कहती है मुझे इसका किए का बहुत ज़्यादा पछतावा है, प्लीज़ मुझे बताओ मुझे क्या करना चाहिए। तो वो कहती है कि प्लीज़ मेरे भाई को मैं बताना, मेरा भाई संकी है, वो कुछ भी कर बैठेगा। फिर उसकी खुशी में अगले दिन फॉस को बस आया था, फॉस को पार्टी शार्टी करता है, और एक रेगिस्तान में जाके बैठता है, बीच पे जाके बैठता है, तो उसे वहाँ पर मिलती है स्टेना, और स्टेना उसे सब कुछ बता देती है कि उनका बेटा और उनकी जो बीवी है वो दोनों हो चुके हैं गलत सीन में इन्वॉल्व, और
इवन उन्हें सही रिश्ते में नहीं है, जिस वजह से फॉसो काफ़ी परेशान होता है। वो पूरी रात दम के शराब पीता है, और शराब पीने के बाद लीनियो किसी ओ ये जो है फोसो किसी को बताता नहीं है कि क्या हुआ है, लेकिन लीनियो समझ जाता है कि पापा का पता चल चुका है कि हमने क्या कर चुके हैं हम दोनों। इस वजह से लीनियो से थोड़ी दूरी बना रहा था, और फिर लीनियो एक दिन उस माँ से बहुत दूर चला जाता है। और फिर कहानी कुछ सालों बाद शुरू होती है, जहाँ पे लीनियो एक एंटीनियो नाम की लड़की शुरू से वो शादी करता है, और शादी करने के बाद फिर भी अन्ना से प्यार करता है, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता क्योंकि शादी हो चुकी है। और इसी के साथ ही मूवी खत्म होती है। यार वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना।